हेलो एंड वेलकम दोस्तों। रणजी ट्रॉफी राउंड वन के बाद बारी है राउंड टू की, और राउंड टू इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार आईपीएल का ऑक्शन और रणजी ट्रॉफी राउंड टू एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। 23 तारीख को आईपीएल का ऑक्शन और 20 से 23 तारीख के बीच में रणजी ट्रॉफी राउंड टू के मुकाबले खेले जाएंगे। तो ऐसे में उस राउंड में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा या पहले राउंड में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है उन पर ऑक्शन में टीमों की नज़र बिल्कुल रहेगी क्योंकि रीसेंट की परफॉर्मेंसेज याद रहती हैं। तो हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनका राउंड वन में प्रदर्शन अच्छा रहा है और साथ में राउंड टू पर जिनके प्रदर्शन पर नज़रें होंगी, और ये वीडियो हम टीमों के साथ शुरू करेंगे क्योंकि हम एक एक टीम के हिसाब से आपको बताएंगे कि किस टीम में कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे केरला के साथ, और केरला की टीम में संजू सैमसन सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं है, लेकिन रणजी ट्रॉफी में इनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि टीम इंडिया में इनका दावा कितना मजबूत रहेगा कमजोर रहेगा वो रणजी ट्रॉफी के प्रदर्शन पर भी डिपेंड करता है। राउंड वन में जो मैचेस खेले थे उसमें 72 रन बनाए थे इन्होंने, और उसके साथ अक्षय चंद्रन इन्होंने 150 रन की पारी खेली थी केरला के लिए, तो एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इनके बल्ले से आई थी। उसके बाद अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं, और अगली टीम है झारखंड की टीम। ईशान किशन दोहरा शतक लगाने के बाद वापस आए और पहले रणजी गेम में उन्होंने 132 रन की पारी खेली थी, लेकिन इसके साथ दूसरे खिलाड़ी विराट सिंह जिनका प्रदर्शन पहले राउंड में अच्छा नहीं रहा था लेकिन आईपीएल ऑक्शन में इन पर नज़र रह सकती है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक में, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इनका रहा है सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी में। इस बार रणजी ट्रॉफी में अपनी टीम के लिए क्या क्या कारनामे करेंगे और राउंड टू में खास करके कैसा परफॉर्म करेंगे उस पर नज़र रहेगी। उसके बाद कर्नाटका की बात करो, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस खिलाड़ी पर नज़र रहेगी वो रहेंगे मयंक अग्रवाल, क्योंकि दूसरी पारी में इन्होंने फॉर्म में थोड़ी सी वापसी की थी और 73 रन की पारी खेली थी। आईपीएल ऑक्शन में इस बार नंबर वन प्लेयर हैं, पहला नंबर इनको दिया गया है, तो ऑक्शन में इनके लिए बहुत सारी टीमें जाएंगी भी और देखते हैं कि कितना पैसा इनको आईपीएल के इस ऑक्शन में मिलेगा। हो सकता है कि अभी की करंट परफॉर्मेंस भी उसमें कुछ रोल प्ले कर जाए। उसके बाद कबीरप्पा, विद्वत कबीरप्पा, 5 विकेट इन्होंने पिछले मैच में लिए थे, इन पर जरूर नज़र रहेगी। जिन टीमों को अच्छा क्वालिटी स्विंग बॉलर चाहिए वो विद्वत कबीरप्पा की तरफ देखेंगी, पहला सीजन है और जिस तरह से ये खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे अब रणजी ट्रॉफी में। उसके बाद एक और खिलाड़ी हैं कर्नाटका से आने वाले निकिन जोस, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं अगर देखें विजय हजारे ट्रॉफी में, और उसके बाद अब यहाँ पर रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में 62 रन की पारी खेली थी, ज़्यादा बड़ी नहीं कर पाए, दूसरे राउंड में इन पर भी नज़र रहेगी। उसके बाद अगली टीम है विदर्भा की टीम, और विदर्भा की टीम में अक्षय बाडकर ने पिछले मैच में 130 रन की पारी खेली थी, साथ में नज़र रहेगी यहां पर अथर्व तायडे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इनके लिए ओपन करते हैं और बेहतरीन और विस्फोटक ओपनर हैं, अभी रणजी ट्रॉफी की टीम का हिस्सा हैं, ऑक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके परफॉर्मेंस पर नज़र रहेगी। और साथ में यश ठाकुर, पहला मैच बहुत ही हॉरेबल गया था इनका रणजी ट्रॉफी का, लेकिन डोमेस्टिक में लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करके आए और आईपीएल ऑक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर भी नज़र रहेगी। हालांकि इनके कप्तान फैज फजल दोनों पारियों में सेंचुरी जरूर लगाई थी लेकिन ऑक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल उन पर निगाहें नहीं होंगी क्योंकि पहले बहुत पहले खेल चुके हैं और अब शायद उनके लिए आईपीएल ऑक्शन में कोई भी टीम इंटरेस्टेड नहीं होगी। अगली टीम की बात करें तो हरियाणा की टीम, निशांत सिंधु पिछले मैच में 38 रन की पारी खेली थी और ज़्यादा बड़ा कमाल नहीं कर पाए थे, हरियाणा की टीम बड़ी आसानी से हार गई थी हिमाचल के खिलाफ। दूसरे प्लेयर शायद हिमांशु राणा, अंडर 19 के पुराने प्लेयर हैं और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इस युवा खिलाड़ी का रहा है अब तक, पिछले मैच में भी इन्होंने 87 रन की पारी खेली थी, हो सकता है कि आईपीएल ऑक्शन में कोई टीम इन पर भी नज़र रखे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, इस टीम ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है वो बहुत कमाल की रही है और इनके लीडर रहे हैं ऋषि धवन, ऋषि धवन पर भी नज़र रहेगी, उनकी परफॉर्मेंस पर नज़र रहेगी, 4 विकेट उन्होंने पिछले मैच में लिए थे। साथ में प्रशांत चोपड़ा सीजन कैंपेनर, 137 रन उन्होंने पिछले मैच में बनाए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आईपीएल ऑक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टीम में जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है वो हैं वैभव अरोरा, 5 विकेट पिछले मैच में इन्होंने लिए थे और साथ में राघव धवन 182 रन की पारी इन्होंने पिछले मैच में खेली थी। अगली टीम
एमपी की टीम यश दुबे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, पहले मैच में 81 रन बनाए थे, शुभम शर्मा ने 50 लगाई थी, रजत पाटीदार ने 62 किए थे और साथ में आबेश खान के 8 विकेट। ये सब वो खिलाड़ी हैं जो ऑलरेडी या तो ऑक्शन में हैं या शायद ऑक्शन के दावेदार उतने बड़े नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड ओवर के उतने बड़े प्लेयर इनमें से बाकी जो नाम है वो नहीं है, चाहे वो यश दुबे की बात हो और चाहे शुभम शर्मा की बात हो। लेकिन इनकी टीम के राउंड टू के प्रदर्शन पर नजर रहेगी और साथ में कुलदीप सेन की वापसी इस बार के राउंड में हो सकती है। पहले राउंड में नहीं खेले थे, इंजर्ड थे, तो हो सकता है कि आपको दूसरे राउंड में कुलदीप सेन खेलते हुए दिखाई दें। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर टीम की बात करें तो यहां पर ऑक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफॉर्मेंसेज इंपॉर्टेंट होगी। विभ्रांत शर्मा, शुभम खजूरिया, ये दो ओपनर जम्मू एंड कश्मीर टीम के इस बार आईपीएल ऑक्शन में भी हैं और शॉर्ट लिस्टेड 86 खिलाड़ियों की सूची में भी हैं। आबिद मुश्ताक पर नजर रह सकती है, 3 विकेट इन्होंने लिए थे। आकिब नबी वो खिलाड़ी हो सकते हैं, 4 विकेट लिए थे और शायद दूसरे राउंड के लिए उमरान मलिक की भी वापसी यहां पर हो सकती है। उसके बाद पंजाब की टीम की बात करते हैं और प्रभसिमरन सिंह 202 रन की पारी इन्होंने पहले मैच में खेली थी। लिमिटेड ओवर क्रिकेट के बहुत ही जबरदस्त विस्फोटक खिलाड़ी, लेकिन ये लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में जिस तरह का कारनामा करने लग गए हैं, आगे दोहराएंगे तो बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज होगी इंडियन क्रिकेट के लिए। अभिषेक शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन जारी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी के बाद अब रणजी ट्रॉफी में 100 भी बनाया, गेंदबाजी बहुत ज्यादा नहीं की, 4-5 ओवर गेंदबाजी की, उसमें भी 1 विकेट निकाल करके ले गए। मनदीप ने 100 बनाया, ऑक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर रहेगी। अनमोल प्रीत सिंह 86 किया, उन पर भी ऑक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर रहेगी। और सनबीर सिंह, इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर नजर रखिएगा, क्योंकि इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत एक रेयर कमोडिटी है, तो इन पर ऑक्शन में बड़ी बोली जरूर लगेगी इस बार। 2 विकेट हालांकि लिए थे, स्ट्राइक रेट इस सीजन इनका बहुत जबरदस्त रहा है। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बल्लेबाजी नहीं आई थी इस बार इनके मैच में, क्योंकि ऊपर के 2-3 बल्लेबाज 100 बना गए थे, इसलिए बैटिंग का मौका नहीं मिल पाया था। उसके बाद गुजरात की बात करते हैं, प्रियांक पांचाल ने 111 रन किए थे और साथ में चिंतन गाजा, इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर नजर जरूर रखिएगा। एक बेहतरीन तेज गेंदबाज और साथ में जो पिछले मैच में 68 रन की पारी खेली थी, सो ऑलराउंडर बनने की काबिलियत कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं, तो अगले राउंड में इनके प्रदर्शन पर नजर जरूर रहेगी। उसके साथ अर्जन नगवास पाला, बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, इंडिया के लिए नेट बॉलर के रूप में पहले भी सेलेक्ट हुए थे और इन पर नजर जरूर रहेगी, क्योंकि पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन भी इनसे देखने को मिला है। 4 विकेट इन्होंने लिए और ऑक्शन में भी ये अवेलेबल होंगे सिलेक्शन के लिए। उसके बाद त्रिपुरा से मणिशंकर मूरा सिंह अकेले लोन वॉरियर अपनी टीम को लेके जा रहे हैं, 9 विकेट इन्होंने पिछले मैच में लिए थे, पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 विकेट। गोवा की बात करें तो अर्जुन तेंदुलकर वहां पर स्टार परफॉर्मर थे, 120 रन बनाए, साथ में 3 विकेट भी लिए। सुयस प्रभुदेसाई ने डबल सेंचुरी, 212 रन बनाए थे उस मैच में गोवा के लिए। राजस्थान की बात करें तो कमलेश नागरकोटी पर निगाहें होंगी ऑक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 विकेट इन्होंने पिछले मैच में लिए थे और साथ में रवि बिश्नोई अगर खेलते हैं, स्क्वाड में थे पिछला मैच, खेले नहीं थे, अब इस वाले मैच में खेलते हैं या नहीं ये देखना पड़ेगा। उसके बाद बड़ौदा की टीम की बात की जाए तो प्रियांशु मोलिया, 17 साल के प्रियांशु मोलिया ने सेंचुरी लगाई थी, 118 रन बनाए थे। उसके साथ निनाद राठवा, इन्होंने 5 विकेट लिए थे और इन दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही थी अपनी टीम के लिए। साथ में शाश्वत रावत जो मैन ऑफ द मैच थे, 135 रन उन्होंने उस मैच में बनाए थे। यूपी के लिए बात की जाए तो प्रियम गर्ग अंडर 19 के कप्तान, पुरानी अंडर 19 टीम के कप्तान और साथ में रिंकू सिंह, 79 और 89 रन की पारी उन्होंने खेली थी। उसके अलावा शिवम माबी, ऑक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 8 विकेट उन्होंने पिछले मैच में लिए थे टोटल। अंकित राजपूत भी ऑक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इन पर नजर रहेगी और साथ में कप्तान करण शर्मा, ये खिलाड़ी होंगे जिन पर यूपी की टीम में आपकी नजर रहनी चाहिए। उसके बाद बंगाल की टीम की बात करते हैं, ईशान पोरेल 7 विकेट लिए थे, मैन ऑफ द मैच थे। आईपीएल ऑक्शन में इन पर भी नजर रहेगी कि ये किस तरह का प्रदर्शन राउंड 2 में करते हैं। उसके बाद शहबाज अहमद, पिछले मैच में परफॉर्मेंस थोड़ी सी फीकी रही थी, लेकिन ये खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी शायद उतनी ज्यादा गेंद से नहीं मिल पाई, बल्ले से जल्दी आउट हो गए थे। उसके अलावा आकाशदीप सिंह, राइट आर्म फास्ट बॉलर, क्विक बॉलर, आरसीबी का हिस्सा थे, सो ऑक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर भी नजर रह सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो हनुमा बिहारी टीम इंडिया से बाहर हो चुके हैं, अब यहां पर कैसा प्रदर्शन रणजी ट्रॉफी में रहेगा वो इनके वापसी के दरवाजे खोल सकता है अगर ये डोमेस्टिक में
अच्छा प्रदर्शन करते हैं। साथ में शेख रशीद अंडर 19 2022 टीम का वो बैट्समैन जो टेक्निकली सबसे ज़्यादा साउंड और सबसे बेहतरीन उपकप्तान उस टीम का जो था, उन पर नज़र ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। IPL ऑक्शन में भी है तो ऑक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी परफॉर्मेंस पर भी इनकी नज़र ज़रूर रखिएगा। मुंबई की बात करें तो पृथ्वी शॉ, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान तीनों बड़े प्लेयर फ्लॉप हुए थे, साथ में अजिंक्य रहाणे का नाम भी उसमें इंक्लूड कर दीजिए। लेकिन जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया था उनमें थे अरमान जाफर, तनुष कोटियान, तो ये वो दो खिलाड़ी थे जिनके दम पर मुंबई की टीम ने पहला मैच जीता था। कई सारे स्टार खिलाड़ी मुंबई की टीम में हैं तो ये 4-5 खिलाड़ी हैं जिन पर नज़र रह सकती है। उसके बाद आसाम की बात करें और आसाम की बात होती है तो सिर्फ एक खिलाड़ी की बात होती है, रियान पराग की। रियान पराग की परफॉर्मेंस आपको जरूर बताएंगे लेकिन साथ में राहुल हजारिका, इस खिलाड़ी पर भी नज़र रखिएगा क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी भी धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। रियान पराग ने 75 किए थे और 95 किए थे दूसरी पारी में, साथ में 4 विकेट। अब आगे इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस को क्या राउंड 2 में भी लेके आ पाएंगे, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। नजर जरूर रखिएगा रियान पराग की परफॉर्मेंस पर। सौराष्ट्र की बात करें तो हार्दिक देसाई ने सेंचुरी की थी, 108 बनाए थे। जय गोहिल ने 227 इस साल का सबसे बड़ा स्कोर अब तक का बना दिया है और साथ में प्रेरक मांकड़, ऑलराउंडर प्रेरक मांकड़, बल्ले से तो बहुत ज्यादा कमाल पिछले मैच में नहीं किया था लेकिन गेंद से 5 विकेट लिए थे। इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, अगेन अ रेयर कम्युनिटी, IPL ऑक्शन में इनके लिए बड़ी बोली लगने वाली है इसलिए इन पर नजर जरूर रखिएगा। साथ में चिराग जानी, सडनली ये खिलाड़ी बड़े बड़े मैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं, गेंद से तो ये हमेशा से करते थे, अब जो बल्ले से करने लग गए तो ये स्पेशल प्लेयर बनते जा रहे हैं और ये भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में अब आने लगे हैं। उसके बाद हैदराबाद की बात की जाए तो तन्मय अग्रवाल ने 135 रन किए थे पिछले मैच में और मिकिल अग्रवाल, इन्होंने भी 137 रन की पारी खेली थी। तो हैदराबाद के ये दोनों बैट्समैन और साथ में अगर तिलक वर्मा खेलते हैं, स्क्वाड में नाम नहीं है, पहले मैच के इनिशियल स्क्वाड में इनका नाम नहीं था, तो अब दूसरे मैच में ऐड होगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। शायद टीमें जो खिलाड़ी ऑलरेडी किसी ना किसी टीम का हिस्सा हैं उनको अब रणजी ट्रॉफी मैचेस नहीं खिला रही हैं। आइडिया ये है कि जो खिलाड़ी नहीं हैं वो खेलें और परफॉर्म करें और IPL मालिकों की टीमों की नज़रों में आए ताकि उनको IPL में पिक किया जा सके। अगली टीम तमिलनाडु की टीम, यहाँ पर N जगदीशन IPL ऑक्शन में हैं और जिन टीमों को इंडियन ओपनर चाहिए इनके लिए जरूर बड़ी बोली लगाएगा। 116 पहली पारी में, दूसरी पारी में 60 रन सिर्फ 22 गेंदों में। साई सुदर्शन 179 पहली पारी में, दूसरी पारी में 42 रन सिर्फ 20 गेंदों में। साथ में बाबा अपराजित का 100, साई किशोर के 6 विकेट, इस खिलाड़ी पर भी नजर रखिएगा। और विजय शंकर के साथ संदीप बॉरियर का भी अच्छा प्रदर्शन रहा था। विजय शंकर इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं तो इसलिए मैंने मेंशन किया, परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही थी उनकी पिछले मैच में। दिल्ली की टीम की बात करें तो यश ढुल पर नजरें रह सकती हैं, यहां पर 40 और 57 उन्होंने दोनों इनिंग में मिला के किए थे और नीतीश राणा, इनके परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी। पहले मैच में फेलियर था, अनुज रावत का भी पिछले मैच में कंप्लीट फेलियर था। हिम्मत सिंह वो खिलाड़ी थे जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिल्ली के लिए दी और दिल्ली की बैटिंग लाइनअप में जो दो खिलाड़ी जिन्होंने रन बनाए, एक थे यश ढुल और दूसरे थे हिम्मत सिंह, पहली पारी में 49 और दूसरी पारी में 84 रन की पारी हिम्मत सिंह ने खेली थी। साथ में सिमरजीत सिंह जो चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी यूनिट का हिस्सा थे, फास्ट बॉलर, 4 विकेट उन्होंने पिछले मैच में लिए थे और बेहतरीन स्विंग बॉलर है, इन पर नजर जरूर। उसके बाद बच गई महाराष्ट्र की टीम, राहुल त्रिपाठी पर नजरें रहेंगी जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था विजय हजारे ट्रॉफी में। पहले राउंड में रणजी ट्रॉफी में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। अजीम काजी ने 124 किए थे लेकिन उसके अलावा जो दो खिलाड़ी सुपरस्टार बनके निकले उनमें राजवर्धन हंगरगेकर, 6 विकेट मैच में उन्होंने लिए और साथ में मनोज इंगाले, उन्होंने भी 6 विकेट दिए हैं। तो दोस्तों ये हैं वो सारे खिलाड़ी जिन पर आप रणजी ट्रॉफी के राउंड 2 में नजर रखिएगा, उनके राउंड 2 की परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में IPL ऑक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो लाइक जरूर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।